हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अंदर वीडियो ऑफ काउंसलिंग। तो हम इस वीडियो में बात कर रहे होंगे कि एमसीसी की काउंसलिंग जो है आईपीयू के साथ कैसे चलाएं। आईपीयू की जो दिल्ली कोटा की काउंसलिंग एमबीबीएस के लिए, उसको हम एमसीसी के साथ कैसे बैलेंस करें, क्योंकि अक्सर होता है क्या है ना, जो आईपीयू की काउंसलिंग होती है और जो एमसीसी की काउंसलिंग होती है, दोनों का शेड्यूल थोड़ा अलग होता है शुरू के एक दो राउंड्स में, फिर बाद में सेम हो जाता है। पर इसी चक्कर में क्या होते हैं, बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि हेजिटेट कर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि यार हमें नहीं करनी आईपीयू काउंसलिंग, तो बढ़िया बढ़िया सीट्स को छोड़ देते हैं एनडीएमसी या बीएसए की। तो इसी रिगार्डिंग में बात करने वाला हूँ। पहले समझते हैं कि आईपीयू की काउंसलिंग है क्या। बेसिकली आईपीयू जो है अपने तीन कॉलेज की काउंसलिंग कराता है दिल्ली के लिए, एनडीएमसी, बीएसए और एसीएमएस। ठीक है, अब बेसिकली इसमें क्या होता है कि इसमें राउंड्स होते हैं, राउंड वन, राउंड टू, राउंड थ्री, मोपअप, ऐसे करके राउंड्स होते हैं बहुत सारे, जिसके अंदर आपको सीट अलॉट होती है। अब बात करते हैं आईपीयू के फर्स्ट राउंड के बारे में, जो कि रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो बेसिकली आईपीयू का फर्स्ट राउंड होता क्या है, बेसिकली इसमें क्या होता है कि आप लोग अपनी चॉइस फिलिंग करिए, आप लोगों का रिजल्ट आया, पर जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट किसी काम का नहीं होने वाला। रीज़न इज डैट कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है सीट ब्लॉकिंग। व्हाट इज़ अ मीन बाय सीट ब्लॉकिंग? सीट ब्लॉकिंग क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं कुछ बच्चे होते हैं जो दिल्ली कोटा से होते हैं, जिनके रैंक 1000, 500, 2000 ऑल इंडिया रैंक होती है, उन लोगों को ऑलरेडी आरएमएल, यूसीएमएस या फिर और बढ़िया बढ़िया कॉलेज मिल चुके होते हैं, फिर भी वो लोग क्या करते हैं कि थोड़े डर के वजह से आईपीयू के कॉलेज भी भर देते हैं, लाइक एनडीएमसी और बीएसए, फॉर बीइंग अ सेफ साइड। उनकी भी गलती नहीं है, ठीक है। तो होता क्या है कि फर्स्ट राउंड में दोनों ने कॉलेज भरे होते हैं, लाइक उन्होंने आरएमएल ही भरा हुआ है, उन्होंने बीएसए ही भरा हुआ है, उन्होंने एनडीएमसी भरा हुआ है। अब मान लेते हैं उनको एमसीसी से आरएमएल अलॉट हो गया, या फिर वीएमसी अलॉट हो गया, एमएमसी अलॉट हो गया, कुछ भी अलॉट हो गया, बट उन्होंने यहाँ से भी सीट उठा ली है बीएसए एनडीएमसी की। तो इससे होता क्या है कि डबल डबल सीट उनको अलॉट हो जाती है, जो आईपीयू की काउंसलिंग में जिन लोगों की रैंक 5000, 6000, 7000 होती है जनरल कैटेगरी से, उन लोगों को सीट्स नहीं मिलती हैं। ये हर कैटेगरी का हाल है, जैसे कि ओबीसी कैटेगरी में भी 16-17 हज़ार तक सीटें मिलती हैं, पर फर्स्ट राउंड में ऐसा नहीं हो पाता है ड्यू टू सीट ब्लॉकिंग, ठीक है। बट होता क्या है, जैसे जैसे हम आईपी के राउंड में आगे जाते हैं, राउंड टू में, राउंड थ्री में, तो ये सीटें खुलती जाती हैं। रीज़न बिंग कि उन लोगों ने फर्स्ट राउंड में सीटें आरएमएल या यूसीएमएस सीटें ले ली होती हैं, तो फर्दर आईपी की काउंसलिंग में वो प्रोसीड नहीं कर पाते। तो राउंड टू और राउंड थ्री में थोड़ा ब्लॉकिंग के चांसेस कम होते हैं, जैसे जैसे आईपी के राउंड्स बढ़ते हैं वैसे वैसे ब्लॉकिंग के चांसेस कम होते हैं। बट अब सवाल ये आता है कि आईपीयू के राउंड वन तक तो हम रुक सकते थे क्योंकि एमसीसी भी साथ चल रहा था, बट आईपीयू के राउंड टू और राउंड थ्री का वेट कैसे करें, ठीक है। जैसे मान लेते हैं केस नंबर वन, जैसे कि मान लेते हैं कि आपको आईपीयू के फर्स्ट राउंड में कोई सीट अलॉट नहीं हुई, बट एमसीसी से आपको कोई बाहर के कॉलेज की सीट मिल चुकी है, तो आप क्या कर सकते हैं? या तो आप कर सकते हैं फ्री एग्जिट कर सकते हैं वहाँ से, या तो फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, या तो फिर आप अपग्रेड कर सकते हैं राउंड टू के लिए, बट आपको श्योरिटी होनी चाहिए कि आईपीयू के राउंड टू में आपको सीट मिल जाएगी, तो यहाँ पर एक डर बैठ जाता है। तो यहाँ पर फ्री एग्जिट करना सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है जिन लोगों को आईपीयू के लिए ही ट्राई करना है, ठीक है। अब कई बार देखा गया है कि आप चलो ठीक है राउंड टू में भी सीट नहीं मिली आईपीयू की, तो क्या होगा, क्योंकि आईपीयू में राउंड टू में भी थोड़ी बहुत ब्लॉकिंग हो जाती है। तो सबसे बेस्ट सजेशन जो रहता है कि आप राउंड टू के अंदर कुछ ऐसे कॉलेजेस फिल करें जो कि जिससे आपको अलॉट ना हो, क्योंकि अल्टीमेटली राउंड थ्री में आपको और बढ़िया सीट्स ऑलरेडी मिल जाएंगी आपको, जो आपके रैंक के लिए एलिजिबल होंगी, और बल्कि और बढ़िया सीट्स मिलेंगी। तो अब अगर आपको दिल्ली चाहिए तो आपको राउंड थ्री तक वेट करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा आपको दिमाग से खेलना पड़ेगा कि यार कि जो आईपीयू की काउंसलिंग है और जो आपकी एमसीसी काउंसलिंग है उसमें आपको कैसे प्रोसीड करना है। अल्टीमेटली आप लोग सभी चाहते हो कि आपको दिल्ली का कॉलेज मिले, ठीक है, बट लेकिन हम लोग क्या करते हैं, टेंशन में आ जाते हैं कि यार जो एमसीसी के थ्रू जो हमें जो कॉलेज मिला है क्या वो ले लें हम लोग फर्स्ट राउंड में, क्या हमें दिल्ली मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में ही बताया था कि जो दिल्ली कट ऑफ है वो मैं आपको डिस्कस करती हूँ पूरी अच्छी तरह से कि क्या कट ऑफ रह सकती है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी रैंक उसके आसपास है तो आप बिल्कुल दिल्ली के लिए वेट कर सकते हैं। आप राउंड टू में कोई ऐसी सीट्स भर के जिसे आप लाइक जिसे आपने कोई ऐसे कॉलेज भर दिए जो आपको मिलेंगे नहीं, बहुत हाई रैंक वाले कॉलेज मिलती है, पर इससे आप क्या होगा, राउंड टू से आप राउंड थ्री में पहुँच जाएंगे आगे, इससे आप राउंड थ्री काउंसलिंग कर पाएंगे एमसीसी की और आईपीयू की राउंड टू और राउंड थ्री भी कर पाएंगे, इससे आप आईपीयू को साथ में ले लेके चल सकते हैं विद एमसीसी। अगर मान लेते हैं ऐसा ऐसा केस सिनेरियो है, आपको फर्स्ट राउंड में भी कोई सीट अलॉट नहीं हुई एमसीसी में, ठीक है, बट आप सेकंड के लिए एम कर रहे हैं कि भाई मिली जाए सीट, बट आईपीयू में मान लो सेकंड में नहीं मिली, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, बेसिकली आपको प्रोसीड करना चाहिए आईपीयू काउंसलिंग के लिए फर्दर आगे तक। अगर आपकी रैंक अच्छी है, अगर जनरल कैटेगरी से आपकी रैंक 5000, 6000, 7000 तक है, इवन 7500-8000 भी है, तो भी आपको थोड़ा वेट करना चाहिए राउंड टू तक का, क्योंकि ऑलरेडी आपको एमसीसी से तो कोई भारत कॉलेज मिल ही जाना है थर्ड राउंड तक। अगर ओबीसी कैटेगरी से आपके रैंक 15000, 16000, 17000 तक भी है, तो भी आपको वेट करना चाहिए आईपीयू काउंसलिंग का, क्योंकि एनडीएमसी बीएसए इतने ही जाते हैं हर साल, ठीक है। यदि आपकी शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से आपकी रैंक अगर 80000 तक भी है, 90000 तक भी है, तो भी आपको वेट करना चाहिए, है ना, क्योंकि इस तरह से ये वैरी करता है। जैसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से देखो, इस बार तो कट ऑफ बहुत लो गया है ईडब्ल्यूएस का, 10000, 11000, 12000 रैंक भी है, तो आपको वेट करना चाहिए। इट डिपेंड अपॉन द टोटल सिनेरियो क्या है।
ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा इस वीडियो को बनाने का मतलब ये है कि आप लोग एक फियर में ना आए कि यार कि हमें कि सीटें नहीं मिलेंगी आईपीयू की। आईपीयू की सीटें मिलती हैं, थोड़ी लेट मिलती हैं। मैंने अपने टाइम में मुझे भी सीट से सेकंड राउंड में मिली थी, थर्ड राउंड तक पहुंचने के नौबत आ गए थे लोगों के, क्योंकि हमारा सेकंड राउंड तो ऑफलाइन हो गया था। और आईपीयू की सीटें तभी खुलती हैं जब राउंड थोड़ा ऑफलाइन होने लगता है। बट इस साल आपको राउंड टू से सीटें मिलना चालू हो जाएंगी। राउंड वन में थोड़ी उम्मीद कम रखना यार, रिजल्ट आने वाला है राउंड वन का, तो थोड़ी सीट्स में ब्लॉकिंग देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है, थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो आपको दिल्ली की सीट्स भी मिलेंगी। दिल्ली के लिए थोड़ा वेट करना पड़ता है, ठीक है। तो मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ ये था कि आप लोग थोड़ा डरे ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अगर आपको अच्छी वीडियोज़ लग रही हैं। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नई काउंसलिंग इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए गुड बाय।